बात करेंगे बस्तर के दंतेवाड़ा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को वोट के बदले साड़ी प्रलोभन में बांटने का मामला उजागर हुआ है। मेरमा गांव की आश्रम अधीक्षिका के सरकारी मकान में 8 बंडल साड़ियों के निर्वाचन टीम ने बरामद कर उनकी जब्ती की है, जिनकी कीमत लाखों में बताई जाती है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पटवारी के साथ प्रशासन की टीम ने ये साड़ियां बरामद की। अभिकर्ता के द्वारा सूचना दी गई कि वहां साड़ियों के बंडल चुनाव पूर्व मतदाताओं को बांटने के लिए रखा गया है, उसकी जब्ती की कार्यवाही करिए, मैं आपको अधिकृत करता हूँ। ये कहने पर मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ की जब्ती की कार्यवाही कर रहा हूँ। तो पंचायत चुनाव में वोट के बदले साड़ी, मतलब आप एक वोट दीजिए और एक साड़ी लीजिए। तो पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं पैसे दिए जा रहे हैं तो कहीं साड़ियां बांटी जा रही हैं। बेरमा गांव में लाखों की साड़ियां बरामद हुई हैं। आश्रम अधीक्षिका के सरकारी मकान से इन साड़ियों के बंडलों को बरामद किया गया है, जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। तो वोटरों को लगातार लुभाने की कोशिशें जारी हैं। तो पंचायत चुनाव की बात हम इस वक्त कर रहे हैं। तो बस्तर के दंतेवाड़ा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को वोट के बदले साड़ी का प्रलोभन दिया गया। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, और क्या जानकारी? ये जो साड़ी के बदले वोट का प्रलोभन दिया जा रहा है, सारा मामला कटी कल्याण ब्लॉक का है। कटी कल्याण ब्लॉक के बेड़मा गांव में साड़ियों का जखीरा कुंजाम पारा से बरामद हुआ है। मैं बता दूं, बस कल यहां पर दूसरे चरण की वोटिंग होना है और इस वोटिंग के लिए ही ये सारा खेल रचा जा रहा था। एक शासकीय आवास में ये सारे साड़ी का जखीरा बरामद हुआ है और जो शासकीय आवास है वो किसी महिला अधीक्षिका का बताया जा रहा है और इसमें लगभग 8 जिस वक्त ये साड़ियों की बरामदगी हुई है, क्या वो उस वक्त अधीक्षिका वहां पर मौके पर मौजूद थी? उनका क्या कुछ कहना है? अधीक्षिका के रूम में ताला बंद था और अधीक्षिका वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थी जब मीडिया की टीम वहां पर पहुंची। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ SM लिंगराज सिदार जुड़ गए हैं। सिदार जी, रिएक्शन चाहूंगी आपसे कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई है अधीक्षिका के सरकारी क्वार्टर से, ये जो साड़ियां बरामद की गई हैं, क्या और जानकारी और क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है सर? वो जो हमको जिस क्वार्टर में, शासकीय क्वार्टर में जो साड़ियां मिली है वो साड़ियों को जब्त कर लिया गया है और फिर उसमें नियमानुसार जो भी मतलब निर्वाचन नियम है, निर्वाचन नियम के प्रलोभन के श्रेणी में ये जो कृत्य है आता है, तो उसमें फिर नियमानुसार कार्रवाई होगी। वर्तमान समय में जो भी साड़ियां मिली थी उन्हें जब्त कर थाने में अभी दे दिया गया है। और सिद्धार्थ जी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि किस प्रत्याशी के यहाँ से ये साड़ियां अधीक्षिका के बारे में वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उनके बयान भी लिए गए और जिसके क्योंकि वो आवास में वर्तमान में उस जो अधीक्षिका है वो अधीक्षिका भी बोल रही कि मैं उसमें निवासरत नहीं हूँ करके, तो उनके भी लेकिन उनके नाम पर अलॉट तो है ना, वो क्वार्टर उनके नाम पर अलॉट है, उस अधीक्षिका क्वार्टर उनके नाम पे अलॉट है। हाँ, तो जाहिर सी बात है ना सिद्धार्थ जी, कि जब उनके नाम पे अलॉट है और फिर जब आपके नाम पे अलॉट है और अगर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करता है, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई, एक्शन लिया जाएगा? देखो, ये इस तरह के जो कृत्य है ये मतलब आपराधिक कृत्यों में से भी है, तो जो भी मतलब धारा लगेंगे इसमें वो धारा को लगाकर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ये विवेचना के बाद ही पूर्णतः समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या किसका गलती है और कौन मतलब इस कृत्य में इन्वॉल्व है करके। बहुत शुक्रिया भाई साहब सिद्धार्थ जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और पंकज आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डिंडोरी जिले के सोमनापुर विकास